हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूँ इंटरव्यू और एग्ज़ाम्स के लिए। बॉयलिंग हाउस का टॉपिक है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से समझिए और वीडियो देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, मिक्स जूस की जो पीएच रहती है वो कितनी रहती है। तो मिक्स जूस की जो पीएच का रेंज रहता है 5.2 से लेकर 5.4 इसकी पीएच रहती है। और इसकी जो ब्रिक्स रहती है मिक्स जूस की, वो ब्रिक्स कितनी रहती है देखिए, मैं सबकी रेंज बता रहा हूँ। तो इसकी जो रेंज रहती है वो आपकी रहती है 12 से 14 के बीच में, ठीक है। और मिक्स जूस का टेम्परेचर और पीएच और ब्रिक्स का टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर इसका वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। तो लेकिन जो इसका टेम्परेचर माना जाता है वो एवरेज से 28 से 32 डिग्री के आसपास। लेकिन अगर आप देखेंगे तो दिसंबर में इसका टेम्परेचर 28 के आसपास रहेगा, फिर जैसे जैसे गर्मी आएगी तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो 35 तक इसकी रेंज चली जाती है, ठीक है। ब्रिक्स मैं बता चुका हूँ, टेम्परेचर बता चुका हूँ, पीएच बता चुका हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में रॉ जूस की हीटिंग अप टू, मतलब ये फाइनल हीटिंग अप टू कितनी करते हैं हम, लगभग 70 से 72 डिग्री तक इसकी रॉ जूस की हीटिंग करते हैं। और जो इसमें हीटर होता है, रॉ जूस हीटर, पांचवा क्वेश्चन है कि रॉ जूस हीटर टाइप, जो टाइप होते हैं हीटर के, तो इसमें ट्यूबुलर टाइप हो गया, ट्यूब्स लगी होती हैं रॉ जूस हीटर में, ठीक है, तो ट्यूबुलर टाइप हो गया। और रॉ जूस की डेंसिटी अगर देखी जाए तो डेंसिटी इसकी कितनी होती है, डेंसिटी इसकी होती है 1.06 टन पर मीटर क्यूब। अगर केजी में करेंगे तो 1060 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद में इसमें पंप हम यूज करते हैं, कौन सा पंप हमारा जो यूज होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। और कैपेसिटी मैं आपको बता चुका हूँ, कैपेसिटी कैसे निकालते हैं उसके लिए वीडियो आप देख लीजिए। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्योरिटी ऑफ मिल्क ऑफ लाइम। तो मिल्क ऑफ लाइम की जो प्योरिटी होती है वो लगभग आपका 80 से 85 के बीच में वेरी करती है, ये इसकी प्योरिटी है। बाकी आपका 15% के आसपास उसमें कंकड़ पत्थर निकल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऑफ लाइम यूज्ड इन सल्फिटेशन, सल्फिटेशन प्रोसेस में आपका जो मिल्क ऑफ लाइम यूज होता है उसमें जो उसकी क्वांटिटी कितनी रहती है वो मैं आपको अभी परसेंटेज में बता रहा हूँ, देखिए। तो इसकी जो क्वांटिटी रहती है हमारी 0.15% to 0.20% इसके बीच में रहती है। अब जो मिल्क ऑफ लाइम जो उसकी बाउमी अगर देखी जाए तो बाउमी आपकी रेंज में रहती है 5 से 7 बाउमी डिग्री, ठीक है। 1 बाउमी बराबर हमारे पास में होता है 1.8 ब्रिक्स। इसके बाद में 1 डिग्री ब्रिक्स जो होती है, देखिए 1 डिग्री ब्रिक्स जो होती है वो होती है आपकी 1 ग्राम पर 100 ग्राम सोलूशन में, लेकिन जो उसमें पेपर में है वो किसी और की वैल्यू मैंने लिख दी है, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअल में वैल्यू इसकी होती है 1 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इसमें कुछ और लिख दिया। बाद में हाइट ऑफ क्लेरिफायर, क्लेरिफायर दो टाइप के होते हैं, एक रैपिडोर होता है और एक एसआरटी होता है, ठीक है। तो रैपिडोर की जो हाइट होती है आपकी 20 फीट के आसपास होती है, 20 फीट होती है। और इसका जो रिटेंशन टाइम होता है 2 से 2.5 घंटे, ठीक है। एक आपका क्या होता है, एक होता है आपका एसआरटी, ठीक है। तो एसआरटी का रिटेंशन टाइम मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा आगे। अब देखिए एक होता है हमारा ERQB, तो ERQB रेंज होती है लास्ट मिल जूस टू प्राइमरी जूस, इसकी जो वैल्यू रहती है वो आपका +85 रहती है, ठीक है। ERQB जो रहता है हमारा, एक मिक्स जूस टू प्राइमरी जूस रहता है, एक लास्ट मिल जूस टू प्राइमरी जूस रहता है, तो उसकी वैल्यू अलग रहती है हमारा मिल्क सैनिटेशन में इसका यूज होता है। तो ये फार्मूला आपका ERQB है मिक्स जूस टू प्राइमरी जूस, इसका फार्मूला होगा 1.4 गुना प्योरिटी ऑफ मिक्स जूस -40 डिवाइड बाई 1.4 गुना प्योरिटी ऑफ प्राइमरी जूस -40 इन ब्रेकेट क्लोज्ड और गुणा 100। ये होता है ERQ हमारा मिक्स जूस टू प्राइमरी जूस। और दूसरा हमारा फार्मूला होता होगा, तो देखिए ये हमारा मिक्स जूस टू प्राइमरी जूस हमने बता दिया, तो इसका न्यूमेरिकल आप देख लिए 1.4, और हमारे पास में प्योरिटी ऑफ मिक्स जूस की मान लो इतनी है 79.82 और -40
और 1.4 गुणा 81.37 ये हमारी प्राइमरी जूस की मान लो प्योरिटी है, ठीक है, और -40 और इसको सॉल्व करेंगे तो 71.748 और डिवाइड बाई 73.918 गुणा 100 ये हमारे पास में क्या आ जाएगी 97.06%। तो देखिए फॉर वेटर सैनिटेशन मिल इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो रेंज रहनी चाहिए 96 से 98 के बीच में हमारी मिक्स जूस टू प्राइमरी जूस, ठीक है। अब दूसरा एक दिखाता हूँ आपको, लास्ट मिल जूस टू प्राइमरी जूस। देखिए एक फार्मूला आया आपका ERQB लास्ट मिल जूस टू प्राइमरी जूस, इसका फार्मूला होगा 1.4 गुणा प्योरिटी ऑफ लास्ट मिल जूस -40, 1.4 प्योरिटी ऑफ प्राइमरी जूस -40 और ब्रेकेट क्लोज गुणा 100 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट मिल जूस की मान लो प्योरिटी जो आई हमारी पार्ट में 71.86 है, प्राइमरी जूस की 81.37 है, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास में आ गया 81.99%। तो अगर बेटर सैनिटेशन है तो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो हमारी 82 से 86 के बीच में आपकी आनी चाहिए लास्ट मिल जूस टू प्राइमरी जूस, ठीक है। तो ये हमारे दो ERQB हो गए, तो ये न्यूमेरिकल भी हमने इसमें सॉल्व करा दिया आपको फार्मूले के साथ साथ आपकी, और वैल्यू भी इसमें आपको दिखा दी हमने, ये देखिए दोनों वैल्यू हो गई, ठीक है। अगला है CO कंटेंट इन मिक्स जूस, मिक्स जूस में CO कंटेंट कितना होता है। देखिए CO कंटेंट जो रहता है हमारा PPM में अगर देखा जाए तो ये रहता है आपका 90 से 120 PPM में रहता है, ठीक है। अगर मिलीग्राम पर लीटर में देखा जाए, मिलीग्राम पर लीटर में, तो इसकी जो रेंज रहती है वो आपकी 600 से 800 के बीच में रहती है मिलीग्राम पर लीटर में। और वैक्यूम जो रहता है आपका थर्ड बॉडी का, तो आपका इंच में देखा जाए तो अगर लास्ट बॉडी तो 25 से 26 हो गई, उसके बाद में जैसे लास्ट बॉडी हो गई तो आपका 25 से 26 इंच, ठीक है। इसके बाद की बॉडी जो रहेगी आपका मान लो वो रहेगी 20 से 25, फिर इसके बाद में बॉडी जो आ जाएगी वो आपकी रहेगी 10 से 15 के बीच में, तो इसके बाद में आपकी आ जाएगी 8 से 12 के बीच में, ठीक है। और जो सेमी कैसनर की बॉडी है उसमें जीरो वैक्यूम रहता है, तो इसका अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से 15 के बीच में। अब आप क्या देखिए क्वांटिपल इफेक्ट है या क्वाड इफेक्ट है, उसमें कौन सी थर्ड बॉडी है, और रिटेंशन टाइम जो SRT का रहता है क्वेश्चन नंबर 17 जो है SRT का रिटेंशन टाइम रहता है 30 से 35 मिनट, ये नई टेक्नोलॉजी है। और रेपिडोर का जो रिटेंशन टाइम रहता है वो आपका 2 से 2.5 घंटा रहता है, ठीक है। तो इसमें जो टेम्परेचर आपका कुछ नीचे जाता है डाउन, इसकी जो वैल्यू रहती है टेम्परेचर की जूस की वो 94 से 97 के बीच में रहती है, और जूस का pH आपका न्यूट्रल रहता है 6.99 से 7 तक। और DSM स्क्रीन का जो एंगल रहता है वो कई एंगल में आती है, 45 डिग्री भी रहता है, 60 भी रहता है, ठीक है, 90 भी रहता है, 120 भी रहता है, 180 भी रहता है, ठीक है। और जो तो और इसके बाद में जूस फ्लो आपका एक कर्व में होता है ऐसे करके, अगर ये जो एंगल है मान लो 120 है, 120 डिग्री एंगल है, तो यहाँ से अगर जूस को डालेंगे तो कर्व में रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ जूस की जूस हीटर में कितनी रहती है, 1.8 से लेकर 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद मीटर सेकंड स्क्वायर, इसके बाद में एक्टिव क्विक लाइम की रेंज जो रहती है वो एक्टिव क्विक लाइम की रेंज आपकी हमने बता रखी है 80 से 85% के बीच में रहती है। और इसके बाद बगासिलो रिक्वायर्ड एट रोटरी स्किन वैक्यूम फिल्टर, तो बगासिलो कितना रहता है आपका 6 से 8 kg, ठीक है, बगासिलो की रिक्वायर्ड रहती है। और सल्फर कंजप्शन इन प्लांटेशन ऑफ वाइट शुगर में सल्फर कंजम्पशन कितनी रहती है इसका, 0.05 to 0.07%, ठीक है। और मडी जूस जो हमारा होता है वो pH उसका हमारा लगभग 6.9 से लेकर 7 के बीच 0.1 तक रहता है, क्यों, क्योंकि जो क्लैरिफायर का से जो जूस निकलेगा वही हमारा मडी जूस होगा, ठीक है। इसके बाद में कहता है कि फिल्टर केक पोल परसेंट, फिल्टर केक में जो पोल की वैल्यू आपकी 1.5 से 2 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। और फिल्टर केक का मॉइस्चर जो है आपका लगभग वही 48 से 50 के बीच में रेंज में, कभी कभी एक दो ज़्यादा भी हो जाता है यूनिट। और जो फिल्टर परसेंट केक हमारा फिल्टर निकलता कितना है, मड जिसे बोलते हैं वो कितनी निकलती है, वो लगभग 3 से 5 के बीच में रहती है ऑन कैन, ठीक है। और मोलासिस हमारा 4 से 5 या फिर 6 के बीच में आपका रहता है ऑन कैन, ठीक है। अब देखिए क्लियर जूस जो है उसका टेम्परेचर रेंज कितनी होती है, वो आपकी लगभग
108 से लेकर 105 भी रहता है, 110 के बीच में वैरी करता है, डिग्री सेंटीग्रेड में 105 भी रह सकता है। और क्लियर जूस का पीएच हम बता ही चुके, बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, 6.99 से लेकर 7.1 के बीच में रहे हैं। और सल्फाइटेड जूस का जो पीएच रहता है ये भी अप्रॉक्स में यही रहता है, ठीक है, 6.9 से 7.1 तक। और फार्मूला प्योरिटी, प्योरिटी बराबर क्या होता है फार्मूला, इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। देखिए देखिए आप जानते हैं पोल बराबर क्या होता है, ठीक है, सॉरी प्योरिटी बराबर पोल अपॉन ब्रिक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्योरिटी, प्योरिटी बराबर पोल अपॉन ब्रिक्स हो जाएगा, कैची गुणा कर दो तो पोल पूछ रहा है, ठीक है, तो पोल बराबर हो जाएगा प्योरिटी गुणा ब्रिक्स, ठीक है, जो भी पूछेगा वो आप दोनों में बता दीजिए। गुणा 100 होता है यहाँ पे, ठीक है, प्योरिटी बराबर पोल अपॉन ब्रिक्स गुणा 100 होता है, अब गुणा 100 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे पोल परसेंट आ जाएगा, ठीक है, प्योरिटी का पूछ रहा है, प्योरिटी बराबर पोल अपॉन ब्रिक्स, और पोल पूछेगा तो प्योरिटी गुणा ब्रिक्स डिवाइड बाई 100, ठीक है, तो प्योरिटी बराबर पोल अपॉन ब्रिक्स हो गया। अब देखिए मॉइस्चर इन बगास, बगास में मॉइस्चर की रेंज क्या रहती है, वो आपकी मतलब 48 मतलब 49 से लेकर 50-51 तक रहती है। अगर आपका जो जो आपका बगास में मॉइस्चर है वो 48 के आसपास है तो बेस्ट हो गया, ठीक है, और 50 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आपका लो क्वालिटी हो गया, मतलब बेकार क्वालिटी हो गया, ठीक है। अब पोल कितना रहता है, वो आपका 150 के आसपास रहता है, पोल परसेंट बगार 1.5 से लेकर 1.8 तक वेरी कर सकता है, तो 1.5 इसकी रेंज रहती है। तो फंडामेंटल इक्वेशन क्या होती है आपकी, 36वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो फंडामेंटल इक्वेशन जो होती है आपकी वो होती है kn प्लस एडिड वाटर इक्वल्स टू मिक्स जूस प्लस बगास, ठीक है। तो आपको पता है कि बगास की नहीं पता तो ठीक है, बगास की जो रेंज रहती है वो 28 से 30% रहती है। अगर 100 आपके पास में केन आया, 100 केन आया तो उसमें 28 या 30 के रेंज बीच में आपकी बगास की क्वांटिटी होगी, ठीक है। 100 किलो आया तो 28 किलो या 30 किलो आपकी बगास होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है फंडामेंटल इक्वेशन जिसमें केन प्लस एडिड वाटर इक्वल्स टू मिक्स जूस प्लस बगास। जैसे मान लो केन हमारा 100 किलो है और 45 लीटर हमने पानी मिलाया, तो इन दोनों और 120 लीटर हमारे पास में मिक्स जूस आ रहा है, तो 25 किलो हमारे पास में क्या बगास आएगी, ठीक है। तो ये होता है कि केन में जितना वाटर मिलाएंगे उन दोनों से जूस निकलेगा, और ये वाटर मिला के मिक्स जूस बनेगा, और केन के बाद ये बगास आएगा। ये कोई फंडामेंटल इक्वेशन। मिल एक्सट्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, देखिए मिल एक्सट्रैक्शन का फार्मूला होता है पोल इन मिक्स जूस परसेंट केन डिवाइड बाई पोल परसेंट केन गुणा 100। तो देखिए जहाँ पर इन लगा हो उसको दोबारा डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, पोल परसेंट मिक्स जूस गुणा मिक्स जूस परसेंट केन डिवाइड बाई पोल परसेंट केन गुणा 100, ठीक है। तो अगर इसका आपको वो देखना है न्यूमेरिकल, तो आपको मिलाउस की प्लेलिस्ट आपको देखनी पड़ेगी, उसमें हमने न्यूमेरिकल भी डाल रखा मिल एक्सट्रक्शन का, ठीक है। अब देखिए जर्नल वैल्यू ऑफ आरएमई का फार्मूला है रिड्यूस मिल एक्सट्रक्शन। तो इसकी जो वैल्यू रहती है आपकी मान लो 96.5 है, और तो मिल एक्सट्रक्शन की मान लो होगी 96.3 हो जाएगी, 30 हो जाए, 10 हो जाए मान लो, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू मान लो 96.30 ले लो तो इसकी 96.0805, मतलब इसकी मिल एक्सट्रक्शन की थोड़ी सी वैल्यू कम रहती है, ठीक है। जो मॉइस्चर कंटेंट हमारा रहता है वो हमारा रहता है मॉइस्चर कंटेंट प्लांटेशन ऑफ वाइट शुगर तुम्हारा 0.02% रहता है, ठीक है। और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ये हमारी क्या आरएस शुगर है, आरएस मतलब रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ सल्फाइटेड जूस, सल्फाइटेड जूस का जो टेम्परेचर रहता है वो आपका आपका ले लीजिए 98 से लेकर 103 के बीच में 105 के बीच में रहता है। और वाटर कंटेंट इन केन में वाटर कंटेंट कितना होता है आपका 65 से लेकर 75 के बीच में आपका वेरी करता रहता है, 72-75। और पोल कितनी रहती है आपकी, पोल जो रहती है आपकी, तो देखिए अगला क्वेश्चन है पोल कंटेंट, पोल जो कंटेंट रहती है 12 से 16 के बीच में केन में रहती है, और ब्रिक्स जो कंटेंट रहती है वो भी हमारी 12 से 18 या 16 के बीच में रहती है। और इकम्सा की फुल फॉर्म क्या है, देखो इंटरनेशनल कमीशन फॉर यूनिफॉर्म
मेथड ऑफ शुगर एनालिसिस, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो गई। और पोल परसेंट इन प्लांटेशन वाइट शुगर, अब देखिए दो होती है, अगर सल्फिटेशन से अपने बनाया तो इसकी होती है 98.80, और रिफाइंड शुगर है तो इसकी 99.80, ठीक है, रिफाइंड शुगर की ज़्यादा होती है पोल, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 46 क्वेश्चन तक हो गए, वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 47 कह रहा है फाइबर कंटेंट मतलब केन का पूरा कंपोजिशन देख लीजिए, तो केन का पूरा कंपोजिशन 12 से 16 के बीच में रेंज रहती है। अब देखा फार्मूला ऑफ आर्मी का फार्मूला आपको मैं दिखा रहा हूँ, अभी देखिए इसकी वैल्यू दिखा रहा हूँ, और इसका न्यूमेरिकल अगर आपको देखना है तो न्यूमेरिकल के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, और वो वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, बॉयलिंग हाउस की प्लेलिस्ट में भी होगी और मिल हाउस की प्लेलिस्ट में भी होगी। इसके बाद फार्मूला ऑफ आरएमई, इसकी भी न्यूमेरिकल और फार्मूला भी मैं दिखाता हूँ। फाइबर पर देखिए, आरएमई के दो फार्मूले हैं, रिड्यूस मिल एक्सट्रक्शन नोल्डीर अकॉर्डिंग टू जूस बेसिस, नोल्डीर ने क्या था जूस बेसिस पे दिया था, इसमें हमारा क्या था फाइबर बैरी रहता है, तो इसका फार्मूला होता है 7 - V / 7 × 100, और वी वैल्यूवर जो होता है 1 - C ब्रैकेट में 1 - F / F, ई हमारा मिल एक्सट्रक्शन है, और वी हमारा क्या जूस रिटेंशन फैक्टर है, और एफ हमारा क्या फाइबर परसेंट केन है, ये हमारा नोल्डीर ने दिया था, और आरएमई हमारा मित्तल ने दिया था अकॉर्डिंग पोल बेसिस, तो इसमें जो हमारा फाइबर है वो फिक्स रहेगा, 12.5% हमने फाइबर को फिक्स कर लिया, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आरएमई बराबर 100 ब्रैकेट लगाएंगे 1 - 12.5 पीबीसी, ये पीबीसी हमारा है पोल इन बगास परसेंट केन, और गुणा एफ हमारा फाइबर होगा, पीसी हमारा क्या पोल परसेंट केन, ठीक है, पीबीसी हमारा पोल इन बगास परसेंट केन, और पीसी हमारा पोल परसेंट केन, और एफ हमारा फाइबर परसेंट केन, ठीक है। अब पोल इन बगास परसेंट केन को हम तोड़ लेंगे, तो पोल इन बगास परसेंट केन हो जाएगा पोल इन पोल परसेंट बगास, और बगास परसेंट केन डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये दो हमारे आरएमई के क्या हो गए फार्मूले हो गए, और अगर न्यूमेरिकल देखना तब आपको मिल हाउस की प्लेलिस्ट आपको देखनी पड़ेगी, उसका न्यूमेरिकल भी मैंने डाल रखा है। सेंट बगास इसका फार्मूला देखिए, फाइबर परसेंट बगास का जो फार्मूला है, तो बगास बराबर क्या होता है फाइबर परसेंट बगास प्लस मॉइस्चर प्लस पोल परसेंट बगास, तो अब देखिए इसको निकालना है तो फाइबर परसेंट बगास हो जाएगा, तो इस बगास में से माइनस मॉइस्चर माइनस पोल परसेंट बगास हो जाएगा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, इसमें हमें ब्रिक्स परसेंट बगास निकालनी है, तो पोल परसेंट बगास डिवाइड बाई प्योरिटी ऑफ एक्सट्रैक्टेड जूस लास्ट जो रहता है गुणा 100, ये हमारे पास बगास परसेंट का फार्मूला आ गया। अब फाइबर परसेंट केन निकालना है, तो फाइबर परसेंट बगास और बगास परसेंट केन डिवाइडेड बाई 100, तो ये दो फार्मूले हो गए, या ठीक है दो फार्मूले हमारे पास में ये आ गए, ये भी फार्मूले आप लिख लीजिएगा। इसके बाद पोल इन बगास परसेंट केन फार्मूला, इसका भी फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला पोल इन बगास परसेंट केन, जहाँ पर इन लगा होता है उसे दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो इन लगा है तो पोल परसेंट बगास, ठीक है, और बगास परसेंट केन डिवाइड बाई 100, ठीक है, तो इसका ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर पोल परसेंट केन इसका फार्मूला देखिए, फार्मूला आपको ये बता दे रहे हैं कि पोल परसेंट केन का फार्मूला क्या होता है, पोल इन मिक्सजूस परसेंट केन प्लस पोल इन बगास परसेंट केन, ठीक है, तो ये हमारा पोल परसेंट केन हो जाता है, तो पोल इन मिक्सजूस परसेंट केन इसको तोड़ देंगे, पोल परसेंट मिक्सजूस गुणा मिक्सजूस परसेंट केन डिवाइडेड बाई 100, ये हमारे पास में पोल इन मिक्सजूस परसेंट केन है आ गया, और प्लस इसका निकालेंगे तो पोल इन बगास परसेंट केन को निकालेंगे, पोल परसेंट बगास और बगास परसेंट केन डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारे पास में आ गया पोल इन बगास परसेंट केन, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो होगी पोल परसेंट केन, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल देखना है तो आपको आपको चैनल पे जाके विजिट करना पड़ेगा, बॉयलिंग हाउस में या फिर मिल हाउस में मैंने ये पूरी न्यूमेरिकल सहित वीडियो डाल रखी, वो आप देख लीजिएगा। अब देखिए कह रहा आरएमई डीर, अब आरएमई डीर में जो फाइबर परसेंट केन की वैल्यू होती है वो आपकी 12.5 होती है फाइबर बेसिस। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्लेरिफिकेशन फैक्टर, ठीक है, जो क्लेरिफिकेशन फैक्टर इसका रेशियो क्या होता है, देखिए क्लेरिफिकेशन फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है 100 - क्लेरिफिकेशन एफिशिएंसी, तो क्लेरिफिकेशन फैक्टर हो गया, ठीक है, तो क्लेरिफिकेशन फैक्टर हमने बता दिया आपको। इसके बाद में BHR फार्मूला, ये अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, और एक फार्मूला है BHR का फार्मूला होगा, बॉयलिंग हाउस रिकवरी का फार्मूला है, पोल इन शुगर परसेंट केन डिवाइडेड बाई पोल इन मिक्स जूस परसेंट केन गुणा 100, तो इन है इसको फिर तोड़ देंगे, पोल परसेंट शुगर गुणा शुगर परसेंट केन
डिवाइडेड बाई पोल परसेंट मिक्स जूस, इन लगा हुआ इसलिए तोड़ दिया, गुणा मिक्स जूस परसेंट केन गुणा 100। अब देखिए पोल परसेंट केन को हमारे पास में वैल्यू दी है मान लो 99.80, और शुगर परसेंट केन हमारे पास में रिकवरी दी है 9.25, ये गिवन है मान लो, और पोल परसेंट मिक्स जूस ये हमें गिवन है, और मिक्स जूस परसेंट केन हमें ये 108.11 गिवन है, गुणा 100 करेंगे तो हमने बॉयलिंग हाउस रिकवरी जो निकाल ली हमारे पास में जो वैल्यू आ गई वो 78.77% हमारी BHR की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस टाइप के एक न्यूमेरिकल भी हमने आपको करा दिया और फार्मूला ये है। ठीक है, फिर इसके बाद में अनडाइल्यूटेड जूस लॉस्ट परसेंट फाइबर फार्मूला, ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए जो फार्मूला है आपका लॉस्ट जूस पर यूनिट फाइबर, तो इसका जो फार्मूला वी बराबर 1-E(1-F)F, तो जो वी हमारा जूस रिटेंशन फैक्टर है, तो ये हमारा मिल एक्सट्रक्शन हो जाएगा, यहाँ पे मिल एक्सट्रक्शन है, और एफ हमारा फाइबर परसेंट केन हो जाएगा। ठीक है, और एक फार्मूला ये है अनडाइल्यूटेड जूस लॉस्ट परसेंट बगास, तो इसका फार्मूला आएगा बगास ब्रिक्स परसेंट इन बगास और ब्रिक्स परसेंट इन प्राइमरी जूस। ठीक है, इसका एक फार्मूला हो जाएगा, तो दो इसके फार्मूले हो गए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो इसके जो रहती सुक्रोज आपका 66.6 डिग्री रहता है। ठीक है, इसके बाद में इम्बिबिशन वाटर का टेम्परेचर, इसकी जो रेंज रहती है 72 से 75 के बीच में रहती है। ठीक है, इसके बाद में स्पेसिफिक हीट ऑफ शुगर सोल्यूशन इकमसा कलर, शुगर प्रोड्यूस बाय द डबल DS मतलब डबल सल्फिटेशन प्रोसेस। तो देखिए इसका जो कलर होता है 150 IU होता है। ठीक है, 60वां क्वेश्चन है रिटेंशन टाइप का जूस सल्फाइटर 7 से 8 मिनट, इम्बिबिशन ऑन फाइबर परसेंट, देखो फाइबर परसेंट कितना होता है 250 से 350%, और केन अगर हम देखते हैं तो 40 से 45% ऑन केन, ये फाइबर बेसिस हो गया। नंबर ऑफ ग्रेडर्स, तो नंबर ऑफ ग्रेडर्स इन इंडिया आपके वैसे तो 4 ग्रेडर हैं। ठीक है, आपका L, लार्ज, मीडियम, स्मॉल और डबल S। ठीक है, वैसे अगर कलर बेसिस पे देखें, कलर बेसिस पे तो आपके 7 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में वैक्यूम इन पेन लगभग आपका 650 से लेकर 680 के बीच में चलाते हैं MM ऑफ अज्जी, और टेम्परेचर ऑफ SO2 गैस फॉर सल्फिटेशन जूस सल्फिटेशन। ठीक है, और SGM फार्मूला अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, SGM फार्मूला। ठीक है, देखिए ये SGM फार्मूला, इसका डेरिवेशन मैं करा चुका हूँ, ये पूरा डेरिवेशन है, तो इसकी वीडियो आपको बॉइलिंग हाउस के चैनल मिल जाएगी। तो SGM फार्मूला होता है SJM और JSM, एस हमारी प्योरिटी ऑफ शुगर है, जे हमारी इनिशियल प्रोडक्ट मतलब रॉ जूस हो गया, एम हमारा मोलासेस हो गया। ठीक है, ये SGM फार्मूला, SGM फार्मूला हमारा ये होगा। ठीक है, इससे हम अवेलेबल शुगर निकालते हैं, इसकी न्यूमेरिकल भी मैं डाल चुका हूँ चैनल पे, आप बॉइलिंग हाउस की प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। ये भी आप दूसरा DMF का फार्मूला होता है, इसे बोलते हैं ड्राई मिलिंग फैक्टर। इसका फार्मूला जो होता है नेट मिक्स जूस परसेंट केन माइनस एडिड वाटर परसेंट केन, तो नेट मिक्स जूस परसेंट हमारे पास में मान लो आया है 108.11, और एडिड वाटर जो हम वाटर लगा रहे हैं वो 1% केन लगा रहे हैं 37.73, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू जो आ गई वो 70.38% आ गई। तो DMF की वैल्यू जो हमारे पास में रहती 70 से 72 के बीच में होनी चाहिए, इससे हमें पता लगता है जो हमारा एक्सट्रक्शन है वो अच्छा एक्सट्रक्शन हुआ है। ठीक है, 70 से 72 के आसपास हमारी वैल्यू आनी चाहिए। फार्मूला इसका इम्बिबिशन के टाइप, इसकी आप वीडियो देख लीजिए चैनल पे पड़ी है, वैसे आपके दो टाइप में होते हैं सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल एंड कंपाउंड हो गए। केमिकल नेम ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का केमिकल नेम अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका ये इसका केमिकल नेम है C12H22O11, ये इसका केमिकल नेम है, IPOC भी आप देख लीजिएगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैक्यूम, तो मिनिमम आपका लगभग 150 से 200 रहता है, और मैक्सिमम आपका 350 से 450 mm रहता है। और प्योरिटी ऑफ सिरप, सिरप की जो प्योरिटी रहती है 80 से 85 के बीच में। ठीक है, इसके बाद में बी हैवी की 48 से 52 के बीच में। एंगल ऑफ बैच टाइप इसका लगभग 90 डिग्री और इसका आपका 35 डिग्री
से 45 डिग्री के आसपास भी रहता है। और ग्रेप टी प्योरिटी का फॉर्मूला भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला क्या है, एक होती है एप्रियंट प्योरिटी पोल अपॉन ब्रिक्स गुणा 100, और एक होती है ग्रेप टी प्योरिटी तो सिक्रोज अपॉन ब्रिक्स गुणा 100, दो फार्मूले होगा इसके। इसके बाद में सेफ्टी फैक्टर फार्मूला, देखिए सेफ्टी फैक्टर का फार्मूला है मॉइस्चर परसेंट शुगर डिवाइडेड बाय 100 माइनस पोल परसेंट शुगर, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में विंटर क्रॉप फार्मूला, देखिए ये आपका विंटर क्रॉप फार्मूला है, रिकवरेबल शुगर इक्वल्स टू 100 इंटू एस 1 माइनस 4 माइनस 40 अपॉन जे, एस जो हमारी प्योरिटी ऑफ शुगर हो गई और जे हमारी क्या है प्योरिटी ऑफ इनिशियल प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा विंटर क्रॉप फार्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद में PI फार्मूला, देखिए PI का फार्मूला आप लिख दीजिए, PI बराबर 1000 R 3.88 माइनस 0.838 R, और हमारा क्या है P1 अपॉन P1 हमारा क्या है आफ्टर फाइबराइज सैंपल वॉल मिल, और P2 हमारा आफ्टर फाइबराइज रेपी पोल एक्सट्रक्चर से आप निकालते हैं पोल और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इसकी जो वीडियो है फाइनल वाली क्वेश्चन भी सॉल्व है, तो इसकी वीडियो आप मिलाउस जो है मिल सेक्शन का जो प्लेलिस्ट है उससे देख लीजिए मिलाउस वाली, ठीक है। और इसके बाद में डाइल्यूशन फैक्टर, देखिए आज मैं आपको दो फार्मूला बता रहा हूँ, एक होता है डाइल्यूशन इंडिकेटर, ये आपके शुगर की क्वालिटी के लिए होता है, इसका फार्मूला होता है DI बराबर मॉइस्चर परसेंट शुगर और डिवाइड बाय 100 माइनस पोल परसेंट शुगर प्लस मॉइस्चर परसेंट शुगर, ठीक है, और गुणे में 100। अब देखिए डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशन फैक्टर जो होता है इम्बिबिशन में होता है, ठीक है, इम्बिबिशन में होता है। डाइल्यूशन फैक्टर बराबर होता है R बटे इम्बिबिशन परसेंट K, जो R की वैल्यू होती है वो होती है ब्रिक्स ऑफ प्राइमरी जूस माइनस ब्रिक्स ऑफ मिक्स जूस डिवाइड बाई ब्रिक्स ऑफ मिक्स जूस। इस R की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, इसकी वैल्यू लगा देंगे, आपका डाइल्यूशन फैक्टर निकाल लेंगे। अगर हमारा फैक्टर लेस देन है 0.95 तो इम्बिबिशन क्या है टू हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई है। अगर इससे ज़्यादा है मोर देन 1.05 है तो मतलब इम्बिबिशन हमारा टू लो है, ठीक है। तो फार्मूला ये हो गया इसका। फिर आपका प्योरिटी ड्रॉप, प्योरिटी ड्रॉप फार्मूला रैपिडोर के लिए होता है टी स्क्वायर अपॉन 100, टी हमारा टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, आगे नेक्स्ट आप वीडियो में बनाता हूँ अगेन दूसरे क्वेश्चन की, तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कर दें, धन्यवाद।